नमस्कार कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनावों को कवर करने की दृष्टि से, उसे जानने समझने की दृष्टि से, इस देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक सूबे और पहले सबसे बड़े राजनीतिक सूबे यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अनवरत यात्रा पर हम लगातार जारी है। ये जो क्रम है ये बना हुआ है और ऐसे में हम सोनभद्र में मौजूद हैं, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा, एक ऐसी लोकसभा जिसमें कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संयुक्त रैली की और उसके बाद विपक्ष की अपनी रैलियों की तैयारी में हमको दिखाई दे रही है। चूंकि सातवें चरण में मतदान होना है, 1 तारीख को मतदान होगा, तो अभी भी जो प्रचार है वो अपने अपने हिस्से से अपने अपने तरीके से बढ़ रहा है, मुद्दों पर भी जा रहा है, दूसरे मुद्दों पर भी आ रहा है। कोई देश का चुनाव बताकर दिल्ली और दुनिया की बात भी कर रहा है तो कोई इसे स्थानीय एंगल भी देना चाहता है। ढेर सारे मुद्दे हैं, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मूड क्या है ये भांपने के लिए हमको लगा कि सुबह सुबह शुरुआत एक चर्चा के साथ ही कर ली जाए। और हम मौजूद हैं रॉबर्ट्सगंज में और इसीलिए चर्चा को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। साहब आप इसे शुरू कर लें, क्या मूड है यहाँ जनता का? जनता का तो मूड इस बार गठबंधन की ओर है। कारण क्यों नजर आता है ऐसा? कारण ये कि 10 साल में लगातार सिर्फ जुमलेबाजी हुई, धरातल पे कोई चीज आया नहीं, तो इसलिए जनता के मूड यहाँ पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, उन लोगों ने मन बना लिया है कि 5 किलो अनाज के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। नौजवान बेरोजगारी की ओर है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। खुद मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका लड़का खुद कह रहा है कि पापा मैं वोट नहीं दूंगा। तो कहा क्यों नहीं दोगे? कह 10 साल से नौकरी नहीं मिल रही, हमारा भी यही हश्र होगा। तो ये है हकीकत, ये है। दूसरों के घरों में भी दिक्कत है और वो उसका बखूबी पता है। जी 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 जी, वो खुद बता रहे हैं, उसके पिताजी बता रहे हैं हमसे कि मैं सब लोग जान रहे हैं, भाजपा के हैं, वो बता रहे अपने पिता अपने बेटे की दर्द भरी कहानी बता रहे थे। जैसे पूरी दुनिया को आपके मित्र लोग समझाते हैं, वो अपने बेटे को नहीं समझा पा रहे। अब बेटा जब जवान हो गया है, वोट देने का अधिकार हो गया है, तो वो तो स्वतंत्र है वोट देने के लिए। यही सवाल पूछें साहब, मुद्दा क्या है इस इलाके में? मूड तो बता दिया, मैं थोड़ा मुद्दा समझूं। देखिए, सरकार कोई भी हो, ठीक है, जनता की एक ही अपेक्षा रहती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो बेहतर सरकार करे उसकी ओर हमारी रुझान रहेगी। और ये सबसे बड़ी समस्या आज देश की है। हमें ना मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से मतलब है। आप मंदिर और मस्जिद के मसलों में उलझा करके जनता को आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। जमीनी चीजें जनता को कहीं से मिल नहीं रही है। आज जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा की इतनी बुरी दशा है, इतनी बुरी दशा है कि जिसको आप पूछिए मत। रोजगार के नाम पे आपने कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी इतनी फैल गई है। सही बात है, आपने तो पकौड़ी चाय पे ला करके हम लोगों को छोड़ दिया है, ठीक है, नो डाउट। आज विपक्ष मजबूत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अच्छाई आप दिखाइए, आपने अच्छाई क्या की? हमको ना मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से मतलब है, ना हमको सड़कें चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। आप फ्री का राशन बांट करके जनता को क्या बना रहे हैं? आप अपंग बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपकी कहीं से कोई उपलब्धता, मैं इसको नहीं मानता हूँ। क्या नाम आपका? हमारा नाम है हनुजी। आपका नाम? हिदायत खान। जैसे मूड मुद्दा दोनों समझे, थोड़ा ये बताइए कि वोटर सोच क्या रहा है इस बार साहब? मैं कन्हैया पांडे, रावर्सन संसदीय क्षेत्र का मैं यहाँ पे एक वोटर हूँ। उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आदिवासी क्षेत्र है महोदय, और यहाँ पे जो जंगल है, जमीन है, और यहाँ जो नौकरी जो संभावनाएं हैं, यहाँ पे कल कारखाने लगे हैं, यहाँ का नौजवान तरस रहा है, यहाँ का मजदूर को वो मजदूरी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। यहाँ वोट देने के हमें लगता हाथ लगता है, मैं घुमा हूँ, कल मैं नौगढ़ में भी गया था, मैं वहाँ के जो लोगों का मिजाज था दो तरह का है। कुछ लोग नौजवान हैं जो देखते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, नौकरी कैसे मिलेगी उनको। अग्निवीर की जो परीक्षा हुई, सिपाही की परीक्षा हुई, उसमें बहुत लोगों को साइड कर दिया गया, और कितने लाखों रुपए लोगों ने गंवाए, और सेना में जो लोग तैयारी कर रहे थे वो सब बेचारे 4 साल की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, भटक रहे हैं कि नौकरी कहीं मिल जाए। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं महोदय, अनपरा है, ओबरा में है, डाला में है, शक्ति नगर है, मतलब ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे नौकरी की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन यहाँ के लोग वंचित हैं। यहाँ के जो सांसद रहे हैं राम प्यारे पनका जी के बाद, जो लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे राज्यसभा सांसद माननीय राम सगल जी हैं, पकौड़ी लाल जी रहे हैं, यहाँ पे विधायक, यहाँ के चारों सीटिंग इनके विधायक रहे हैं, लेकिन जो नौजवान लड़का है वो तरस रहा है। और हम लोग नौजवान हैं, नौजवानों की आवाज है कि बदलाव आएगा और परिवर्तन लाना है। मैं आप पर भी आता हूँ, मैं एक एक करके चलूं।
अब जैसे मूड को भी समझा, मुद्दों को भी समझने की कोशिश की, क्या कुछ ऐसा है जो जनता सोच रही है इस बार? देखिए, मेरा नाम प्रदीप पांडे है, मैं बीएसपी से कोषाध्यक्ष हूँ। देखिए, जनता सोच रही, जनता तो कुछ सोच ही नहीं पा रही है। पहला चीज कि एक को चुने तो जो दूसरा है वो भी वही यहाँ भी हो रहा है। अभी हम लोग कल कड़िया सेक्टर में गए थे, उधर वहां पर पानी के लिए लाले पड़े हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया, जो हाल सपा का है वही हाल भाजपा का है। भाजपा सपा के भी गवर्नमेंट से आज भी हम लोग त्रस्त हैं, कल भी हम लोग त्रस्त थे और आज भी त्रस्त रहेंगे। भैया, आप देखिए, ये सोनभद्र जिला है ना, सोनभद्र जिला चार प्रदेशों को जोड़ने वाला जिला है और यहाँ हमारे पैर से बिहार, आधे बिहार की सिंचाई हो जाती है। आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि इधर के जो सिंचाई वाला सिंचित एरिया है, यहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो क्या कहना है, जो हाल सपा का है वही हाल भाजपा का है। ये लोग एक ही उस सिक्के के दो पहलू हैं, कभी ये आना चाहते हैं, कभी ये आना चाहते हैं। लेकिन बहन जी की सरकार में हमारे सोनभद्र का विकास हुआ है और सोनभद्र का विकास होगा। अभी इन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम ठीक है कि हम अभी हमारा ये मजबूत है, हमारा ये कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन मजबूत जनता बताएगी कि कौन मजबूत है। जनता तो बता देगी कौन मजबूत है, कौन है मजबूत, ये आने वाला 4 तारीख बता देगा। फिर हमको भी पता चल जाएगा क्यों इतना दूर आए हैं। परिवर्तन तो होगा इस बार, परिवर्तन होगा, क्योंकि मोदी जी की जितनी भी रैलियां हुई उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे कोई बात नहीं हुआ। सिर्फ पप्पू जाएंगे जेल, तेजस्वी जाएंगे जेल, फलाने जाएंगे, ये कोई मुद्दा होता है? अरे, हमारे बारे में बात करिए कि हमारा विकास कहाँ से होगा, हमारे भविष्य कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इस पे कोई कहना। तो परिवर्तन तो होना है, ये जनता मूड बना चुकी है, परिवर्तन श्योर। क्या नाम आपका? बब्बू मिश्रा जी। बता दिए धीरे से कि 4 तारीख तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है, क्या कारण नजर आता है? अभी तक बीजेपी सरकार जब से है तब से इनका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो पिछले सरकार कार्य की है उसी को ये अपना चला रहे हैं। इनका कोई नया यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है और जनता भी जान गई है कि इनको हटाना है, यूपी से भी हटाना है और केंद्र से भी इनको हटाना है। और जनता पूरी मुंड बना ली है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। क्या नाम आपका? विनीत सरोज जी। आप पर आते हैं, अच्छी बात यह, पूछने की जरूरत नहीं, आम आदमी तो नहीं है, गमछा ही सब कुछ साफ बता देता है जी। क्यों लगता है ऐसा कि जहां पक्ष में प्रचार कर रहे हैं वहां उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है? हमने 2 बार आप लोगों को मेहनत करते उत्तर प्रदेश में देखा, परिणाम उस अनुरूप नहीं रहे, इस बार उम्मीद क्यों दिख रही है? देखिए, उम्मीद इसलिए दिख रही है कि आप देखिए, चुनाव चल रहा है, ठीक है। 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या मुद्दा था उनका, कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम जो है काला धन विदेश का वापस ले आएंगे, ठीक, लोगों को बहुत खुशहाल भारत होने जाएगा, ठीक, लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। क्या इस मुद्दे पे जिस देश की करेंसी वैल्यू घटती है वो देश शर्मसार होता है? तो क्या जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया है इसमें इन्होंने कहा क्या कि 10 साल बाद हम इतने मैनिफेस्टो पे इतना काम कर चुके हैं ये काम करेंगे? या जो भी रैलियां हो रही हैं लगातार, आप देखिए जहां भी कर रहे हैं, इन्होंने किसी भी रैली में अपने मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा किया कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम ये करेंगे? भाई, हमारे राहुल गांधी ने तो बोला ना कि हम जो है आएंगे और जो है अगले महीने की 1 तारीख को, 4 तारीख को परिणाम आएगा, अगले महीने से आपका जो है जुलाई से खटाखट जो है पैसा और अकाउंट में महिलाओं के, गरीब महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएगा, जो उनके जीवन यापन के लिए सही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम रोजगार की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं कि हम 30 लाख रोजगार जो रुका हुआ है सेंट्रल का वो हम देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सेंट्रल का हो रहा है, अभी किसी स्टेट का चुनाव नहीं हो रहा है कि स्टेट के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल क्या योजनाएं देगा, हम मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे जो जरूरी है गरीबों के लिए, जो आज वर्तमान व्यवस्था चल रही है, जो महंगाई की स्थिति चल रही है उसमें जो है पैसा का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हुई है, करेंसी वैल्यू आप देखिए $84 पहुंच गया, हमारा पैसा कहाँ है? महिला सुरक्षा पर कहीं कोई बात हो रही है? आप रेवन्ना के बारे में बात नहीं करेंगे जो छोड़ के भाग गया, मिजोरम पे के बारे में आप बात नहीं करेंगे, मणिपुर के बारे में आप बात नहीं करेंगे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप अग्निवीर 4 साल का पैदा करेंगे, आप बिजनेसमैन पूरे देश के अंदर केवल 10 से 5 बिजनेसमैन है, एक लोअर क्लास का बिजनेसमैन जो यहाँ चाय भी बेच रहा है वो भी एक व्यवसायी है, उसके बारे में आप सोचने का काम क्यों नहीं करते? किसानों की बात आप क्यों नहीं करते? आप जो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया कि जो है बॉर्डर पे जवान
और खेतों में किसान अगर नहीं रहेगा तो ना हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा ना हमारे देश की जनता सुरक्षित रहेगी। लेकिन क्या है, आप अग्निवीर 4 साल का पैदा कर रहे हैं। वो लड़का जो किस घर के जो है किसके बड़े आदमी के घर का लड़का जाता है जो बॉर्डर पे जो नौकरी करने के लिए, किस परिस्थिति में वो जा रहा है, 4 साल में उसका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर कोई विचार है? आप देश के प्रधानमंत्री, आप हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। नौजवान कहाँ है? आपने IIT की फीस कितनी बढ़ा दी, नौकरियां आपने जो 10 सालों में कितने दे दी, कहीं इस पर कोई बात हो ही नहीं रही है। लोगों को केवल भरमाया जा रहा है। बात क्या हो रही है, हिंदू मुस्लिम, बात क्या हो रही है, पाकिस्तान, पूरे हिंदू दुनिया के अंदर सबसे मजबूत देश पाकिस्तान है, लेकिन बात उसी के बारे में होती है ना। आप चाइना से बात करेंगे तो ठीक है, आप कहीं मस्जिद में जाएंगे तो ठीक है, आप कहीं जाएंगे तो फलाना आदमी मंदिर क्यों गए, आप डिसाइड करेंगे कि हम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? हमारा जब मन करेगा तो मंदिर जाएंगे, हमारा जब मन करेगा तो मस्जिद जाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, यह हिंदुस्तान है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मीकांत शुक्ला। सबसे पहले हमारे धरती पर आपका स्वागत है, प्रणाम है। यहाँ पर देखिए, न मोदी जी लड़ रहे हैं, न राहुल जी लड़ रहे हैं, न अखिलेश लड़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाना है, यही जनता मूड बना ली है, और इस बार उखाड़ के इन्हें फेंक देगी, भनक नहीं इनका चलेगा, न इनकी अब यहाँ दमदारी चलेगी। ये वाला ना जो आपने कहा, ये लाइन जिस पर खूब ताली बजी इतनी देर बाद, ऐसा क्यों परिस्थिति आपको लगता है आई कि नेता से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही है इस बार? इसलिए लड़ रही भैया ना, कितना बेरोजगारी, महंगाई है, समझ लीजिए नौजवान बच्चे पढ़ के घर में सुसाइड कर रहे हैं, भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, आत्महत्या न करेंगे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, 10 रुपया नहीं है उनके जेब में कि बाजार में आके कलम खरीद ले, तो महंगाई बेरोजगारी जबरदस्त है, इसलिए जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। इस बार सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है। क्या ये सच है कि इस बार एक जनता चुनाव लड़ रही है और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उसको नहीं समझ पा रहे? देखिए, सोनभद्र के जनता, एक मैं आम मतदाता के नाते बोल रहा हूँ, ये केंद्र की भाजपा सरकार ने वादा किया था सोनभद्र की जनता से कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा। आम मतदाता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि इनकी जब से सरकार आई है, ये 5,000 रुपए ट्रैक्टर बालू, 5,000 रुपए गिट्टी कर दिया, चिराग तले अंधेरा। सोनभद्र में बिजली पैदा होती है लेकिन यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। आम मतदाता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। इन्होंने वादा किया था स्वास्थ्य पर, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट बनकर तैयार है, मशीनें वहां पर पड़ी हैं, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है एक भी डॉक्टर इन्होंने वहां तैनात नहीं किया, पूरी मशीनें जंग खा रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अल्ट्रासाउंड का मशीन जो अग्निवीर की तरह ये 3-4 साल की नौकरी निकाल रहे हैं, महाराज ये प्राइवेट डॉक्टर पकड़ पकड़ कर वहां पर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। दुर्भाग्य है सोनभद्र की जनता का। और आप स्वास्थ्य पे बात करते हो, ये सोनभद्र की जनता के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। और सोनभद्र अति पिछड़ा जिला का आता है, इलाका आता है, ये 8वां ऐसा हमारा जिला है जो पिछड़ा है। इन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया है। महाराज किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, यहाँ ट्रामा सेंटर होते हुए जिला अस्पताल में, लेकिन आपने डॉक्टर मौजूद नहीं किया। हमारे यहाँ गरीब नौजवान अपना जगह जगह गिरवी रख कर बनारस पलायन करते हैं, जगह बिक जा रहा है। तो इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, इसलिए सोनभद्र की जनता, और सबसे बड़ी बात है आम जनता के नाते मैं बोल रहा हूँ कि एक गालीबाज सांसद जो सोनभद्र की जनता को ही गाली दे रहा है, सभी वर्गों को गाली दे रहा है, तो गालीबाज सांसद तो भैया हमको नहीं चाहिए। कान पकड़ रहे, हम बदलाव करेंगे। और इस बार जनता ने निर्णय ले लिया है कि सोनभद्र में परिवर्तन होगा, और हम लोग इस बार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। गालीबाज सांसद नहीं चाहिए भैया। क्या नाम साहब आपका? हमारा नाम प्रमोद है,
सोनभद्र की जनता है। दिन भर प्रमोद जी के साथ घूमेंगे तो जनता भी कितनी है वो पता चल जाएगा। आपसे बात रह गई थी जी, क्या नाम आपका? मृदुल मिश्रा नाम है। मृदुल, कई सारे पक्ष तो आपने सुन लिए होंगे, लोग अपने अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, क्या जमीन पर इतनी नाराजगी है लोगों में? बिल्कुल, जनता पूरी तरीके से यहाँ नाराज है। जिस तरीके से सांसद रहते हुए अपना दल के पकौड़ी लाल कोल ने एक वर्ग विशेष को मंच से माइक लगाकर गाली दी है, उसका रोष जनता के बीच आज भी है। और सबसे बड़ा रोष ये है कि सबसे बड़ी पार्टी का दावा होने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, उस वर्ग से आने वाले लोगों ने भी इस चीज का कहीं न विरोध किया न खंडन किया। आज उसी गठबंधन से उसी परिवार की उनकी बहू को टिकट देकर इस फिर से इस चुनाव में इन्होंने भेजा है, तो जिसकी नाराजगी का पूरा खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ की बात है कि आप अभी मुख्यालय पर आप कवर कर रहे हैं, जब आप यहाँ से दक्षिणांचल की तरफ नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ पर कितनी सारी योजनाएं ले आकर कितने सारे रोजगार के संसाधन पैदा किए हैं। एनसीएल, एनटीपीसी, रिहंद जैसी तमाम योजनाएं हैं, तमाम, ये समझिए कि ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि सोनभद्र का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की ही सरकार का बनाया हुआ है एक तरीके समझिए। लेकिन इस सरकार के पास न नीति है न नीयत है। विकास करने की नीयत होती तो स्थानीय संसाधनों में यहाँ के बेरोजगार युवाओं को बहुत सारे रोजगार मिले होते, जो पद खाली हैं आज तमाम सरकारी व्यवस्थाओं में या जो तमाम यहाँ के प्राइवेट फर्म्स हैं उसमें। लेकिन बाहर से आके लोग यहाँ काम करते हैं, बाहर के लोग यहाँ आकर अमीर बन जाते हैं, यहाँ का आदमी मजदूर का मजदूर ही रह जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी सबसे बड़ी इस जनपद की समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, फ्लोराइड युक्त पानी पीने को ये पूरा जनपद जो है मजबूर है। और आप समझिए कि इस पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जबरदस्ती का सीना ठोकना कि हर घर नल योजना, ये वो तमाम झूठे आंकड़े ये जरूर आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप यहाँ मुख्यालय से थोड़ी ही दूर 2-4-5 किलोमीटर किसी दिशा में बढ़ेंगे तो गांव की सड़कों की स्थिति देखेंगे तो आप खुद ये तय कर लेंगे कि ये विकास का दावा सच है या झूठ है। और जो ये लोग देख रहे हैं आप, पूरा सोनभद्र ये एक तरीके समझिए पूर्ववर्ती सरकारों का ही बसाया हुआ है। क्या नाम साहब आपका? दयाशंकर पांडे। दयाशंकर जी, क्या है मूड इस बार? फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इतना गुस्सा नाराजगी सुन रहे थे अभी, वो नहीं है क्या? ये गुस्सा नाराजगी बहुत पहले से थी, है और रहेगी लोगों की। जितने लोग विरोध करने वाले हैं वो सही विरोध बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर करंट चल रहा है, जिस जनता को लाभ मिला है, वो जनता आज भी मोदी सरकार के साथ है। आज जो है गांव से लेकर देख करके दिल्ली तक चले जाइए, सीमा यहां से लेकर के सुरक्षा बॉर्डर से लेकर देख लीजिए, आज कहीं अपहरण नहीं हो रहा है, कहीं बलात्कार नहीं हो रहा है, कहीं गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कोई उठा नहीं लिया जा रहा है। आपका लड़का बाहर गया है तो आप शाम को फोन नहीं करें, आप निश्चिंत हैं कि मेरा लड़का उठा नहीं लिया जाएगा। आज जितने संवेदनशील स्थान थे आज वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए ऊपर की बात हो गई। मैं नीचे ले चल रहा हूँ, जब कांग्रेस के जमाने में अनाज सड़ता था समुद्र के किनारे और ढुआई भी देना पड़ता था, और अनाज को किसी प्रधानमंत्री ने देखा कि इसका सदुपयोग किया जाए, उसको जो है आज गरीबों में 80 करोड़ लोगों के अंदर दे करके जीवन दान देने का काम भी कर रहा है। आज बाजारों में झोला लेकर के लोग जाते थे, खरीदते थे, अन्न नहीं मिल पाता था, आज वो अनाज भरपूर उनके घर में है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, किसान की बात, जितने बड़े आदमी है पूछ लीजिए, उनकी जमीनें जो बिकी, एक ट्रैक्टर लोन पर लिया करते थे, लोन नहीं भरते थे, आज उनके ट्रैक्टर के कारण पूरी की पूरी जमीनें बिक गई। तकाबी का काम होता था कांग्रेस के जमाने में, 25,000 रुपया अगर 20,000 कोई ले लेता था, उसे जाकर के अंदर तक आदमी खोजता था, वो तब तक प्रताड़ित होता था जब तक वो दे नहीं लेता था जमीन बेच करके। आज इन समस्याओं से निदान किसी प्रधानमंत्री ने दिया है निचले स्तर तक देख करके, तो मोदी सरकार है। खाने के लिए अन्न दिया, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए जिनके पास छत नहीं था उनको मकान दिया, इन सारे समस्याओं को निजात दिया है आज मोदी सरकार ने। इसलिए अंदर आकर के लोगों का कहना है, जमीन पर जब जाएंगे और 1 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा आपको, तो आपको दिखाई पड़ेगा इतने दावे करने वाले लोग। अभी एक भाई ने मेरे कहा कि किसी ने गाली दिया, अरे किसी ने गाली नहीं है, किसी का सांसद जो थप्पड़ मारा और मुकदमा कराया इन लोगों के ऊपर, जो आज बता रहे हैं कि उनको गाली नहीं दिया, उनको थप्पड़ थप्पड़ मारा और मुकदमा लंबित है, इनसे पूछे कि वो कहाँ है, वो किस खामे में है, ये मैं बता दिया। दो लड़कों की जोड़ी तो बहुत बड़ी, पिछले बार भी लड़ी थी, आपको मालूम है, इस बार को आने दीजिए, सारे के सारे मैं बता रहा हूँ आपसे। फिर मित्र मैं मिलूंगा, आप देखेंगे, या आज रोड को देख लीजिए।
नहीं सुन लीजिए नो, आज आज रोडों को देख लीजिए किस प्रकार से है। मैं जाता था बनारस में 3 घंटे लगते थे, आज जो है 1 घंटे लगते हैं। आज रेलवे का सफर देख लीजिए, रेलवे लाइन डबल हो रही है, इनके जमाने में नहीं था। आज एयरपोर्ट कितने बने हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। आज देश विदेश में आपका प्रधानमंत्री जाता था और खड़ा रहता था, दूसरे देश के प्रधानमंत्री आकर के आज जिनको पाबंदी लगाई गई थी मोदी के ऊपर, आज वही प्रधानमंत्री आकर के उनको अखबार में लेकर के 2-2 घंटे इंतजार करते हैं। ये देश का मान सम्मान सम्मान को बढ़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। मैं इनके स्टार्टिंग मुद्दे शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा कि जो है गरीबों को अन्न देने का काम किया, तो यह देश तो 3 ट्रिलियन का हो चुका है। ये ऐसा 3 ट्रिलियन का देश है जहाँ पे 80 करोड़ लोग भूखे हैं, तो ये कहाँ से है जरा बता दीजिए मुझे आप। तो जो अन्न आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पर बात करें। 3 ट्रिलियन का देश है ना, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया कि खुद कमाई खाते। इन्होंने कहा कि हमने अन्न जो है कांग्रेस के जमाने में भी मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, मोटा अनाज, कच्चा अनाज, पतला अनाज मिलता था, गेहूं मिलता था, उसका 1 रुपया कीमत, रुपया और 3 रुपया कीमत ली जाती थी। कि उनको यह एहसास रहे कि मुफ्त में आपको भिकमंगा नहीं बनाया जा रहा है, आप एक पैसा दे रहे हैं इसलिए आप उसके साथ वो चीज खा रहे हैं। उसका एक सिस्टम था, नहीं हुआ, चीजें बंद कर दी गई। आप मुफ्त ना कि उनको आप बिना काम करने वाला बना रहे हैं कि आप उनको काम करने के लायक बना रहे हैं, और 80 करोड़ लोग भूखे हैं आप बना रहे हैं। आप देश बहुत आगे बढ़ गया जो है। फिर आपने बात कही रेलवे, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप इसी जनपद का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे लोगों को चलने के लिए क्या है, त्रिवेणी जो जाड़े में बंद हो जाती है, लखनऊ जाने के लिए एक ट्रेन, दिल्ली आने के लिए मूरी, जो आप सुबह बैठेंगे 4 बजे तो रात में आप 8 बजे, एक दिन पूरा आपका खराब। और मालगाड़ी कितनी चलती है, 40 के ऊपर मालगाड़ियां कोयला ढोने का काम इस जनपद से कर रही है। और कहां कोयला जा रहा है उसका जवाब दे दें। आम जनमानस को चलने के लिए त्रिवेणी और मूरी, जो कांग्रेस के, रुक जाइए लेकिन फिर अभी आप बोले, पूरा बोल लीजिए, आपके पूरी बात पहले सुन बोल लीजिए, बात सुने तो पहले बोलिए, बोले हैं तो सुनिए। मालगाड़ी ढोने के लिए गाड़ियां बनी है, जो लाइन बनी है आम आदमी के लिए नहीं बनी है। किराया कितना बढ़ गया, यहां से पहले दिल्ली का किराया कितना था, आपने कहा हमने एयरपोर्ट बना दिया, तो एयरपोर्ट आपने बना दिया कौन सा, जो है हमारे भाई ये पूछिए एयरपोर्ट पे चढ़े हैं, वो चाय वाले एयरपोर्ट पे चढ़े, एयरपोर्ट का भाड़ा कितना है, वो एयरपोर्ट चला कौन रहा है, निजीकरण किसने कर दिया उसका, जो है प्लेटफार्मों तक का आपने निजीकरण कर दिया, घंटे के हिसाब से जो है वहां पे पैसा लगता है कि आप अगर सामान भी रख रहे हैं तो आप 10 घंटे का इतना, 12 घंटे का इतना, 20 घंटे का इतना, जो पुरानी व्यवस्थाएं रामनगर से लेके जितने बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल चीजें थी उसको आपने जो है गिरवी रखने का काम कर दिया। वहां जाइए, पहले रामनगर लोग घूम लेते थे, अब जाइए तो पहले पैसा दीजिए। गंगा घाट देखना है तो गंगा हमारी माँ है, वहां आप पहले पैसा दीजिए, वहां स्कीमर चल रहा है, क्या क्या उसमें लोग खा पी रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। तो इन पर विद्यों में बात होनी चाहिए। आपने कहा ना महंगाई बढ़ी, आपने कहा कि सिलेंडर कितने रुपए का था, 300 रुपए में, 350 रुपए में लोगों की छाती फाड़ जाया करती थी, 1200 रुपया हो गया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। देखा जा भैया 200 रुपया कम कर दिए, अरे तुम भी 600 रुपया ज्यादा हो, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो। जो है घर पे जो सिलेंडर भाई को मालूम है नहीं कि इस जिले में रहते हैं, लगता है विदेश में रहते हैं, कहते एक गाड़ी चलती है, दो गाड़ी, अरे सुनिए यार मैं बोल रहा हूँ ना, इस यहाँ से जो है 15-15 गाड़ियां चलती हैं, बॉम्बे से लेकर के, गुजरात से लेकर के, राजस्थान से, आपके ही 10 किलोमीटर की दूरी पर है चोपन से, कलकत्ता भी आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से आप पटना चले जाइए, चुप रहिए, पटना भी चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, अरे भाई आप जाइए, अरे आपसे मैं बात नहीं कर रहा, पहले ब्लिक आप सुन लीजिए, मैं बोला नहीं भाई साहब, आप यहाँ से 200 गाड़ियां हैं जो चलती हैं, इनको मालूम नहीं है, यहाँ से इनके, एक मिनट सुन लीजिए हमको, साथ आप उनसे होता क्या है ना, हम सुबह सुबह कहीं जाते हैं, अभी जितने जनता बताए थे, कई बार दोपहर को कुर्ते मिल जाते हैं, तो हम डर जाते हैं कि जनता जो बोल रहा है वो जनता कितनी है, वो मेरी भी है, हाँ तो वो मैं आ रहा हूँ, वो पूरा कर ले फिर आ रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आज उनसे पूछिए, आज बेरोजगारी की बात करें कि बेरोजगारी है, मुझे लगता है किसान है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, एक किसान से पूछिए कि आपको खोजने पर भी लेबर नहीं मिल रहा है, 140 करोड़ देश में आपको खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं। एक मिस्त्री जो आता था इनके जमाने में वो फटही कुर्ती पहन करके आता था, नेकर नहीं था, आज वो मोटरसाइकिल से आता है और मोबाइल लेकर के आता है, काम करता है, मोटरसाइकिल से घर जाता है, उससे घर जाएंगे तो आपको मालूम नहीं कि पंडित जी का घर है कि वो हरिजन का घर है, उसके अभी 2 कुर्सी लगी हुई है, लड़ाता हुआ टट्टू उसके पास है, चाय बना करके ट्रे में देता है, इनके जमाने में था क्या, पूछिए ये ना, ये व्यक्तिगत डिबेट बन जाएगी, मैं वापस बोल रहा हूँ साहब, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये डिबेट बन जाएगी,
आपने शुरू किया, उन्होंने किया, तो काउंटर किसे कहते हैं? मैं आ रहा हूं, जो जो नहीं बोल पाए, बहुत देर से सुने, पसीना भी आ गया, 1 तारीख को क्या निकलेगा फिर? 1 तारीख को मतदान है हमारे यहाँ, और रिजल्ट जो निकलना है वो सब लोग जान रहे हैं। हम तो नहीं जान रहे, इसलिए पूछ रहे हैं। रिजल्ट जो हमारा आने जा रहा है वह वर्तमान सरकार के पक्ष में आने जा रहा है। क्यों? इसलिए कि सरकार ने इतने सारे महत्वपूर्ण जनहित में कार्य किए हैं, इसलिए आने जा रहा है। जैसे मैं अभी, जैसे दया भाई बोल रहे थे, जिन गरीबों के पास छत नहीं थे, सरकार का लंबा प्रयास रहा कि हमारे देश की जनता जो है छतों के नीचे हो, उनका अपना खुद का छत हो, खुद के मालिक में मालिक बने, यह हमारे सरकार की नीतियां रही है। सब दूसरी बात यह कि हमारा राष्ट्र जो है सर्वोपरि है, हम राष्ट्र हित में अपना चिंतन करते हैं, वर्तमान सरकार भी राष्ट्र हित में चिंतन कर रही है। कल जो स्थितियां हमारे भारत की चारों तरफ से बनी हुई थी, आक्रमणकारी जो है हमारे भारत पर हमला बोल रहे थे, आज वह चीजें नहीं। जब हम सुरक्षित होंगे, हमारा देश सुरक्षित होगा, तभी यहाँ रहने वाले लोग सुरक्षित होंगे। क्या नाम आपका? प्रकाश केसरी। प्रकाश जी, जी आप कितने बजे आए यहाँ? हम यहाँ पे करीब आए हैं जी। जब आपने पीछे से कहा कि सिर्फ उधर रहेंगे, 8 बजे से आते, 8 बजे आते तो पता चलता, 8 बजे से ये इनसे पूछ लीजिए। नहीं, हमने तो बुलाया नहीं किसी को, कमेंट मारने की जो आदत होती है ना साहब। कमेंट नहीं मारा हूँ मैं, क्या कहे कमेंट नहीं, मैं कहा नेता लोग का डिबेट मत कराइए, आम जनता खड़ी है तो आम जनता का भी सुनिए। अभी बोलते रहो, चलिए दिन भर हम भी साथ घूमेंगे, आम जनता कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है पता चल जाएगा। भाई जनता काम करने के लिए नहीं, आप हो सकते हैं मान लिया, आधे कितने हैं और आप भी जान रहे होंगे सब रॉबर्ट्सगंज के हैं, कितने आम जनता है और कौन क्या है। जी मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं ये कहना करिए, हमको पता कितने में आवाज आएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, मैं बहुत योजनाओं का नाम नहीं लूंगा, मैं आयुष्मान जो योजना है, ये 5 लाख का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, ये एकदम लॉलीपॉप है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो जो इनकी सूची दी गई है, ये अगर वहाँ पे जाते हैं इलाज कराने के लिए तो वहाँ पे धुतकार के भगा दिया जाता है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जाइए आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करिए। मैं 1 साल पहले अपने दादाजी का इलाज कराने मैं बनारस भोगी हूँ, मैं ये पीड़ा अपनी कर रहा हूँ, इसलिए इस बार हम लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं कि मुझे लॉलीपॉप ना मिले और एक बढ़िया सरकार बने। ठीक है, अब आप आम जनता है तो चलिए आपसे पूछ लेते हैं, जिस चीज से आप भुक्तभोगी हैं, आपको उसका विकल्प सामने क्या दिख रहा है, क्या ऐसी कोई योजना है जिसमें आपको लग रहा है कि ये चीज है वहाँ? देखिए जनता को तो ये सरकार 5 किलो राशन देके, अरे अभी आप आयुष्मान पर थे, मैं उसका विकल्प पूछ रहा हूँ, रहते हैं ना विकल्प तो ये राहुल का नहीं, पहले भी नेता नहीं पूछ रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड जो चला था, योजना पर रहना चाह रहा हूँ। अच्छा लगा, आप आम जनता है, आप योजना पर बात कर, मैं योजना ही पूछना चाह रहा हूँ। ये जो आयुष्मान योजना है ना, ये पहले से चली है, हालांकि इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है, 30 रुपए में 30,000 का बीमा होता है। मैं तो आपकी बात से एक बात सहमत हूँ कि कार्ड काम नहीं कर रहा, जो आपने कहा प्राइवेट सेक्टर पर काम नहीं कर रहा, पहले की योजना है वो भी मान लिया, इसका अल्टरनेट आपको क्या दिख रहा है? मतलब अगर आम आदमी को एक योजना काम नहीं कर रही तो दूसरी सरकार में जाकर उसको कौन सी योजना दिख रही है जो काम करेगी? ये गठबंधन की सरकार में हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल ही एक मजबूत हॉस्पिटल बन जाएगा कि जहाँ पे हमें कहीं और प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं मुझको बहुत विश्वास है। किसी का मैनिफेस्टो पढ़े हैं कि विश्वास खुद ही है? नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है तो हॉस्पिटल बढ़िया हो जाता है। कार्ड से शुरू किए थे हॉस्पिटल तक, किसने बोला? थोड़ी देर और बात करिए जी, बताइए। आपकी दिक्कत ये थी कि कार्ड प्राइवेट में नहीं चल रहा, ठीक चला, चलता नहीं, नहीं चला, नहीं चला आपका, नहीं चला, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या दूसरी सरकार ये विकल्प दे रही है कि हमारा कार्ड प्राइवेट में चलेगा? हाँ या ना, पर पहले बात कर ले। स्वास्थ्य पे तो कांग्रेस सरकार और समाजवादी सरकार ने ये कुछ अपना बनाया होगा प्रोटोकॉल, ये वाला नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो नहीं हमने, 25 लाख। हाँ नहीं, इसीलिए हमको लगा कि जब कोई नेता नहीं, आम जनता है ना, लोग बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, आम जनता, हमको लगता है आम जनता दोनों तराजू पढ़ रही होगी, हम ये सोच रहे हैं, आम जनता दोनों को देख रही होगी और फिर किसी को चुन रही होगी, हम ये मान रहे हैं। चलिए देखते हैं दोनों लोग का, मैंने लगा कि नहीं कर पा रही तो हम भाई दूसरों को चुने, शायद वो अच्छा करे। हाँ, मतलब ये ना हो ना कि हाँ जी, जो जो नहीं बोल पाए। क्या नाम साहब आपका? रामेश्वर शुक्ला। शुक्ला जी ये बताइए, हालांकि समझ आ रहा है समाजवादी पार्टी के पक्षधर या किसान है, अब किसान है, ये बताइए अब हमको। हाँ हाँ, ये हो जाता है भ्रम आजकल, अच्छा से बताइए, अभी थोड़ी देर बाद बोलने दीजिए तो धीरे धीरे समझ भी आएगा। क्या है किसानों का मुद्दा?
किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। पहले कभी हम लोग ट्रैक्टर लेते थे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कृषि यंत्र, तो हम लोगों को उसमें न जीएसटी देना पड़ता था न कोई टैक्स देना पड़ता था। हम लोगों का ट्रैक्टर 300 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता था। आज हम अगर कसना भी ले रहे हैं अपने ट्रैक्टर के लिए तो उसमें भी हमें जीएसटी देना पड़ रहा है। हम नट बोल्ट खरीद रहे हैं उसपे भी हमें जीएसटी देना पड़ रहा है। हमें यूरिया खाद महंगा भी मिल रही है और 5 किलो उसमें कटौती हो जा रही है। हमारी जो भी दवाएं थी कृषि से संबंधित कीटनाशक सबका आज तिगुना दाम हो गया है, डाई चरम पर है। और उसके बाद हम लोगों का बिजली बिल कभी 300 रुपए महीने, हम लोग मिनी नलकूप लगाए थे 300 रुपए जब सपा की सरकार या कांग्रेस की थी, आज वही हम लोगों का बिल 1200-1300 रुपए महीना आ रहा है। तो हम लोगों को तमाम समस्याओं से एकदम झेल के जो है आज हम त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार में। जो हम लोग दिन भर घूमते हैं और देश घूमते हैं, हम तो मतलब ये मान के चलिए कि आज 68वीं लोकसभा में हैं, लगातार जो क्रम में घूम रहे हैं कई जगहों पर। एक किसानों के संबंध में जब बात करी तो कमी तो आपने बता दी, एक दूसरा पक्ष भी आता है, वो बोलते हैं वो 2000 रुपए कुछ सम्मान निधि वाली बात, क्या वो फायदा है नहीं है? ऐसा है 2000 दे रहे हैं लेकिन हमसे 2000 महीने में केवल जीरा और नमक में ही ले रहे हैं। हम कभी 20 रुपया का 250 ग्राम जीरा लेते थे 100 ग्राम जीरा, आज वो 80 रुपए का हमारा 100 ग्राम जीरा हो गया है। नमक हम 20 रुपया किलो लेते थे, आज वो 26 रुपया 27 रुपया किलो है। तो वो 2000 तो हमारे हफ्ते के जो डेली दिनचर्या की सामान है उसमें एक हफ्ते में 4000 रुपया एक्स्ट्रा चला जा रहा है, तो हम उससे बहुत प्रसन्न है और जो है खुशहाल तो होंगे नहीं, हम दुखी ही हैं उससे। जैसे आपने बोला, क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए दूसरा पक्ष आता है, और थोड़ा सा मुद्दों को अगर समझूं आपके जरिए, वहां किसानों के लिए ऐसी क्या सुविधा है जो आपको लग रहा है कि आएगी तो किसानों को सहूलियत हो जाएगी? देखिए पहले हमारे यहाँ जो कांग्रेस की सरकारें थी, हमारे यहाँ तमाम बंधे बने, नहरें बनी, और जो है हमें सस्ते दाम पर खादें मिलती थी, कीटनाशक दवाएं मिलती थी, उनके रिज्यूम में हम बड़े खुशहाल थे और हमें सुकून था। आज हम मान के चलिए कि हमारे शरीर से पूरा चमड़ा जो है किसानों का इस सरकार ने हींच लिया। किसान एकदम 2000 में, मतलब वो आप समझ लीजिए कफन का दाम, हम किसानों को 2000 रुपया नहीं, वो कफन का दाम मिल रहा है। क्या नाम साहब आपका? अविनाश शुक्ला। अविनाश जी, वही वाली बात, हालांकि मोटा मोटा समझ आता है जब इंसान बोलता है आम जनता कितनी है और अपने हिस्से की राजनीति कितनी हो रही है, लेकिन अगर हो भी रही है तो मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। जी, महंगाई बेरोजगारी पर तो यहाँ खूब लोगों ने बात की थी, भ्रष्टाचार पर आप अभी इस विषय को लेकर आए हैं, भ्रष्टाचार में ऐसा क्या है? खूब दावे होते हैं कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? दावे तो बहुत हो रहे हैं, जो पहले 100 रुपए में काम होता था 5000 रुपए में काम हो रहा, हर अधिकारी ज्यादा से ज्यादा लूट में भ्रष्ट है, सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन वो कुछ है नहीं। हकीकत यही है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हर कुछ बढ़ी हुई है इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी। केवल धर्म और राजनीति देश पर ये लोग कर रहे हैं संप्रदायवाद, यही सब राजनीति का मेन मुद्दा है, इसके अलावा कुछ है नहीं ओरिजिनल। क्या नाम आपका? मोहन जायसवाल नाम। क्या मुद्दा है मोहन भाई? बहुत मुद्दा है यहाँ पे, कोई चीज ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं है जो नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई रवैये से त्रस्त हो चुकी है, चाहे वो लूट हो, चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार हो, सारी स्थिति यहाँ पे खराब हो चुकी है। अभी आप यह जो दुधी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता के विधायक खुद ही बलात्कार में सिद्ध हुए हैं, इसलिए वहाँ उपचुनाव हो रहा है। दोषी हुए तो सदस्यता चली गई, इसलिए वहाँ उपचुनाव हो रहा है। क्या नाम? हरिशंकर विश्वकर्मा। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अभी इसी सोनभद्र जिला हॉस्पिटल में अगर एक व्यक्ति अगर किसी के महिला की डिलीवरी है तो वहाँ के डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर पैसे की मांग करते हैं। और ये मत सिखाइए, आप ही से पूछ लेंगे हम।
और यही पिछले सरकार थी वहां पर कभी ऐसा नहीं होता था, वहां पर लिखा वो भी होता कि हर्ष में किसी को पैसा नहीं दे, आज वहां बोर्ड गायब हो गया है। ये चीजें वोट देने का कारण बनता है जी। क्या बता रहे थे आप ही बताइए, आप ही से पूछेंगे, कुछ अपनी बात हुई थी आप पूछिए उस पर हम बताएंगे। हमारा कान बहुत तेज है, हम बोल दें हम क्या सुने। आप लोग का वाकई में बहुत तेज है, आप लोग अब क्या बताया जाए। आज दोषारोपण पे फिर मैं उस लाइन को भी बोल दूंगा, शायद आप उसमें अगर आप किसी और का मुझे बोलेंगे तो मैं किसी और दल का आपको बोलूंगा। सुन लीजिए, हो सकता उसमें आप न हो। नहीं मैं नहीं हूँ, सिद्ध कर लूंगा थोड़ी देर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार के रूप में बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो दूसरी और पार्टियों के पत्रकार के रूप में भी काम करते हैं। अब आप पूछिए। मैं तो ये पूछा था उनको जो बता रहे थे उनसे बेहतर आप ही बता दें। तो वो लाइन भी सुन ली तो उसी पे आप हमसे पूछ लीजिए। वही तो हम पूछ रहे हैं, वो जो आप महंगाई और दाम वाली बात बता रहे थे, 3000 रुपए वाली बात बता रहा था मैं, बता रहा था आपने पूछा उनसे भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे यहाँ पे है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1800-1800 रुपए में एक टाली बालू मिल जाता था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा या तमाम विपक्षियों ने उस वक्त कहा कि इसमें कमीशन जा रहा है बहुत ज्यादा 1800 में। तो उसके बाद बालू बिका 8000-10000 रुपए टाली बिका, तो कमीशन कहाँ जा रहा था भाई साहब। 1800 में कमीशन अगर जा रहा था तो 10000 में कितना कमीशन होगा आप जोड़ लीजिए। तो मैं यही इनको समझा रहा था भाई, बोला उनको ये मकान बनवा रहे थे तो हम बताएं कि तुम अपनी समस्या भी बता देना यार। नहीं हमको तो लगता है, देखिए हम क्यों टोके वो भी बताते हैं, हर कोई अपनी समस्या पर खुद बात करे। जब समस्या एक दूसरे कान में डाली जाती है ना तो समस्याएं कम लगती है, मुद्दा बनाना ज्यादा लगता है। समस्या थी ना मकान मैं आऊंगा ना, ये मकान बना रहा है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, तो वो बता देंगे ना, वो बताई जब जाए ना। अब हम आपको कह दें कि ये बोलिए तो वो गलत हो जाए जी। बताएं इस सरकार में महंगाई भ्रष्टाचार चरम पे भाई साहब। और बात रह गई मंदिर मस्जिद मजहब की, तो मंदिर मस्जिद मजहब से जनता का पेट नहीं भरता है। जनता का पेट जब भरा रहेगा तब वो अयोध्या जाएगी मंदिर दर्शन करने, तो इस सरकार से हम त्रस्त हैं। और रहेगी भाई साहब ने जो बताया बालू, तो सपा सरकार या पिछली जो सरकारें थी उनमें वीआईपी जाता था, ये इनका कहना था, भाजपा के लोगों का कहना था कि वीआईपी जा रहा है इसलिए 1800 रुपए टाली बालू मिल रहा है। आज वो बालू 6000 और 8000 में मिल रहा है, तो कौन सा वीआईपी और कौन सा सिंडिकेट जा रहा है, ये इनसे मेरा क्वेश्चन है। क्या नाम आपका? आशीष केसरी जी। सुशील राय। सुशील भाई क्या है रॉबर्ट्सगंज का मुद्दा मामला? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और यहाँ कोई धरातल पर काम नहीं होता है, बस पेपरों में काम होता है। और यहाँ इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और महिलाओं को सारे जनता को जो मोदी सरकार जुमलेबाजी की सरकार बोली जाती है, आज लोग पहले अभी भाजपा के लोग बोलते थे कि 400 पार, आज कोई 400 पार नहीं बोलता। कहां से 400 पार लाएंगे, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास कि 400 पार क्या ईवीएम से घोटाला करके 400 पार लाएंगे, किस मुद्दे पे बात करते हैं वो लोग 400 पार, या पाकिस्तान से लेके आएंगे 400 पार, कहां से लेके आएंगे 400 पार, 400 पार कैसे लेके आएंगे, कोई मुद्दा हो उनके पास ना, उनके पास कोई धरातल पे काम है, जो भी काम किए हैं बेचने का काम किए हैं, कोई धरातल पे काम नहीं हुआ है। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल प्रधानमंत्री जी बनेंगे। क्या नाम साहब? मेरा नाम एडवोकेट आशीष शुक्ला है। आपसे तो एक ही चीज पूछ लें, अपराध बढ़ गया है क्या आशीष जी? बिल्कुल बढ़ा हुआ है, आप लोग तो रोज छापते हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगा कितने बलात्कार हो रहे हैं आप लोग के पास, हमारे पास, आप ही के पास सब पहुंचता है, तो आप लोग को भी उतनी जानकारी। जब आप छापेंगे तब हमारे पास आता है तो हम उसका समाधान करते हैं। देखिए मूल मुद्दा क्या है, मंदिर और मस्जिद धर्म के नाम पे विकास देश का नहीं हो सकता। देश का विकास यदि होना है तो रोजगार चाहिए। युवा देख रहे हैं कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं, उनको यहाँ नौकरी मिल जाए तो यहाँ सड़क पे डिबेट करने के लिए खाली नहीं है, वो अपने रोजी रोटी में चले जाएंगे। यहाँ तमाम समस्या, आप कभी बारिश में आके हमारे सोनभद्र शहर का माहौल देखिए, ये जिला मुख्यालय पे खड़े हैं, इतने इतने पानी सब सड़कों पे होते हैं, ठीक है। जो 5000 रुपए में हम लोग बालू गिट्टी खरीदते थे आज 10000 देते हैं। पूरा बिजली हमारे देश से, हमारे जिले से जाती है, हमारा जिला भरपूर बिजली का बिल देता है, भरपूर बिजली का बिल देता है। यहाँ वालों को क्या चाहिए जानते हैं? गिट्टी बालू माफ
अरे गिट्टी बालू हाफ और बिजली पानी माफ होना चाहिए, इसलिए कि गिट्टी बालू हमारा जिला देता है, बिजली पानी भी हमारा जिला देता है। यहाँ तक कि यहाँ का पानी दूसरे दूसरे जिले में जाता है, यहाँ की बिजली दूसरे जिले और प्रदेश में जाती है, फिर भी हिंदू ये सोनभद्र हमारा देखिए सड़कों पे खड़ा है। वाजिब बात आपने उठाई है कि भाई जिन जगहों पर जो चीज का उत्पादन होता है वहां के रहवासियों को उसका फायदा मिलना चाहिए। ईमानदारी से बताइए, कोई भी पक्ष कोई भी क्या इस पर बात करता है कि नहीं अगर उत्पादन यहाँ हो रहा है तो हम यहाँ रेट अलग रखेंगे और यही रेट बाकी जगह अलग होगा? देखिए जहाँ उत्पादन होता है वहाँ के लिए वरीयता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई इस पर बात करता है? आप और हम किसी विचार पर आ सकते हैं, लेकिन जिनको कानून बनाना है कोई को नहीं जानते हैं। हम भी एक समाज सेवक हैं, मुझे भी अधिकार है अपनी बात रखने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब लोगों को समझ में आए तो कहे, ना समझ में आए ना कहे, हम कितने लोगों को प्रेशराइज कर पाऊंगा? आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप एक बात जानते हैं, हम लोग जब बात करेंगे वो बातें रहेंगी, वो कानून तब बनेगा जब उस पर कोई वो पार्टी बात करे जो संसद में पहुंचेगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ढेर सारे उम्मीदवारों को आप लोग देखते हैं, ये बात कोई करता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पावर प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ बिजली के दाम कम हो, जहाँ से पानी दूसरे जगह पर जा रहा है वहाँ पानी लोगों को रियायत पे मिले, जहाँ खनन होकर ईंट गिट्टी बालू जाती है वो सस्ती हो, ये कोई उम्मीदवार बात करता दिखाई देता है क्या? अभी तक तो जो उम्मीदवार हैं हमारे ही हैं, बाकी और कोई तो दिखता नहीं है। बनाएंगे तो कानून वो ना, आप और हम मुद्दा उठा सकते हैं। हम आप मुद्दा नहीं बनाएंगे तो जनप्रतिनिधि कैसे कानून हमारे आपके लिए लागू करेंगे? हम अपनी समस्या बताएंगे तब ना उसका समाधान आप खोजेंगे। तो समस्या बताना हमारा काम है, समाधान जनप्रतिनिधियों का काम है, वो समाधान करें, समस्या हम उठा रहे हैं। आपसे बात बहुत देर से नहीं हो पाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम है संदीप जायसवाल। संदीप जी, ढेर सारे पक्ष दावे आपने भी सुन लिए, आपके हिसाब से आपका पक्ष या दावा या मुद्दा क्या है? सबसे पहले चीज आप ये जानिए, ये जो जनपद सोनभद्र है ये उद्योगों का शहर है, पूरे उद्योग एनटीपीसी हिंडालको एनसीएल सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी जनपद सोनभद्र में ही है और हमको देश विदेश से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते जो जनपद वासी हैं उनका डाटा रोजगार केंद्र, जैसे हर जगह एक रोजगार केंद्र का ऑफिस होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, उससे डाटा लें और यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी दे जिससे वो महंगाई का भी सामना कर सके, शिक्षा का भी सामना कर सके और जो भी उनके लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उसका सामना कर सके। जब उनके पास रोजगार रहेगा तो उनके पास कुछ पैसा रहेगा, तभी वो अपनी समस्याएं सुलझा पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि सरकार चाहे यूपीए की बने चाहे एनडीए की बने, बीजेपी का भी गठबंधन है और कांग्रेस का भी गठबंधन है, सरकार जिसकी भी बने कम से कम जनपद सोनभद्र वासियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दें। कम से कम मेरे ख्याल से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जनपद सोनभद्र में जो कम से कम 30 साल 35 साल 40 साल रह रहे हैं उनको बरीता देते हुए कम से कम स्थानीय लोगों को 70% जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ के प्लांटों में नौकरी दें और पूरा डाटा सरकार के पास है रोजगार केंद्र में, जहाँ पे ये लोग फॉर्म भरवाते हैं, जो बेरोजगार है अपना फॉर्म भरे, जो भी सरकार की स्कीम आएगी वो दिया जाएगा। ऐसा क्षेत्र जो आप कह रहे हैं कि जहाँ इतने उद्योग हैं वहाँ उद्योगों में स्थानियों को वरीयता होनी चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ेगा और जब रोजगार रहेगा तो लोग कहीं ना कहीं अपने काम बाल बच्चे परिवार में जुटे रहेंगे। जब अभाव रहेगा कोई ना कोई चोरी करेगा, कोई नशा बेचेगा, कोई कुछ ना कुछ अपराध वाला ही काम करेगा जिससे देश की क्षति होगी, हमारे जिले का नाम भी बदनाम होगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बात, यूपीए की सरकार बने चाहे एनडीए की सरकार बने, हमें सरकार जिसकी भी बने हम सबके साथ हैं और देश सरकार के साथ हमेशा रहता है, कोई सरकार के विरोध में नहीं रहता। और बस यही है कि आशा यही कि आप यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराएं। और हम भी मुद्दे ही समझने आए थे कि सुबह सुबह मुद्दों को समझें तो ढेर सारी बातें हो सके, ढेर सारे पक्ष आए, ढेर सारी बातें आई, सबने तकरीबन तौर पर अपनी एक बात रख ली। अंत में एक लाइन हम कहना चाहेंगे और हमको लगता है शायद आप लोग उससे सहमत भी हों, आप सब लोग इस समाज के, इस जिले के, इस जनपद के जिम्मेदार नागरिक हैं और एक नागरिक के तौर पर हम आप लोगों के बीच में एक अपील करके चर्चा को विराम देना चाह रहे हैं। अपील ये है कि आप लोग अपनी अपनी पार्टियों के क्रम में, समाज के क्रम में, अपने दैनिक दिनचर्या के क्रम में ढेर सारे लोगों से मिलते होंगे। जब आप मिलते हैं तो एक काम हमारा करिए, वो काम ये कि लोगों को प्रेरित करिए कि कोई भी मुद्दा कोई भी पक्ष चुने लेकिन वोट जरूर करें। ये देश 6 चरणों का चुनाव कर चुका है, 7वें चरण में, और जैसा आपने कहा ना ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों की बातें जमीन पर तब आती दिखाई देती है जब उन मुद्दों पर वोट भी होता है। तो मुद्दा अपना चुन लीजिए, पक्ष अपना चुन लीजिए, वो जो कोई हो वो आपका विवेक, लेकिन
वोट जरूर करिएगा, वरना नेताओं को यह भी समझ आता है कि मुद्दों की बात करने वाली जनता है, वोट देने वाली नहीं। फिर समीकरण, खांचे और बिरादरियां और तमाम चीजें जवाब हम भी हर चुनावों में सुनते हैं। तो उम्मीद यही, अपील यही कि सोनभद्र खूब वोट करेगा और आप लोग उसमें हमारा साथ देंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।